की हदीस है। अब उसायद बिन यजीद फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में सोया हुआ लेटा हुआ था, फारूक के आजम ने जल्ला हुआ था भी, फारूक उस वक्त अमीर मोमिनीन थे, मुसलमानों के अमीर थे, मुसलमानों के बादशाह थे, खलीफा थे। अब कहाँ लेटे हुए हैं? मस्जिद में लेटे हुए, तकिया भी नहीं, बिस्तर भी नहीं, वीर फर्श में लेटे हुए हैं। तकिया के लिए एक ईंट या पत्थर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। कितनी सादगी है, कितनी सादगी है, लगा कीजिए। मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, इतने बड़े खलीफा हैं, इनका उम्र कौन झुकता है, इतनी बड़ी हुकूमत उनकी है, लेकिन क्या सादगी है कि मस्जिद में लेटे हुए हैं, बिस्तर भी नहीं। आज के जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, उन्हें इतना ताव आ जाता है, अपने मनसब पर घमंड आ जाता है, वो तो कैसे गरीबों के साथ मैं बैठूंगा, मैं बैठता है आपको अपनी इज्जत महसूस करते हैं, वहाँ अमीर मोमिनीन है, मुसलमानों के अमीर है, उनका हाल देखिए, मस्जिद में लेटे हुए हैं, तकिया भी नहीं है, पत्थर से नीचे है लेटे हुए हैं। उसने में दो ताइफ का दो आदमी वो मस्जिद के अंदर आता है, अब मस्जिद में बातें कर रहा है, बुलंद आवाज से बातें कर रहा है। उमर फारूक अनहु देखते हैं कि दो आदमी बातें कर रहा है, मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज से बातें कर रहा है। साहब अजीद के को जो है पत्थर मार के उठाते हैं, बुलाते हैं, आओ करीब में आओ, बताओ इसे पूछो ये दोनों आदमी कहाँ के हैं, पूछो इनसे कहाँ के हैं। वह पूछते हैं भाई आप कहाँ से हो, कहते ताइफ से हैं, कहते हैं तो ताइफ से हैं, हाँ उससे कह दो अगर ये मदीना के होते, मस्जिद नबी की मस्जिद में इतनी जोर से बोलते, जोर से बात करते तो कौन है मारता। लेकिन जो नबी के मदीना के नहीं है इसे मैं छोड़ रहा हूँ, कितना एहतराम नबी का था। नबी के इंतकाल के बाद भी, नबी के जाने के बाद भी नबी का ये एहतराम है, नबी से मोहब्बत है कि नबी के मस्जिद में बुलंद आवाज से बात करना निवाया नहीं। इतना ये उमर फारूक है, ये फारूक के आजम है, इतना मुझे मकने के हामिल था, नबी से इतना प्यार कि नबी की मस्जिद में जोर से बोलना कबार नहीं करता, अगर कबार बोलता है उसे डांटते हैं, हंकारते हैं, कहते हैं अगर तुम मदीने क्या होता तो तुम्हें कोड़े मारता, क्योंकि तो यहाँ तक नहीं है तो नहीं मालूम इस मस्जिद के आदाब, तुम्हें छोड़ देता। ये उमर फारूक है, वो है एक वसल्लम जिंदगी में ही आप की हयात में ही आपकी बीवियों में से कुछ बीवियां आपके पास आईं।